किशनगंज थाना अंतर्गत 8 जुलाई को ही चोरी का खुलासा, दो चोर आए पुलिस गिरफ्त में। किशनगंज थाना पुलिस और स्पेशल टीम ने नागौर और चेन्नई के रहने वाले दो चोरों को पकड़कर माल किया बरामद। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि किशनगंज थाना अंतर्गत 8 जुलाई को दिन दहाड़े हुई लाखों रुपए की चोरी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। पीड़िता किरण सवालका ने किशनगंज थाने में 8 जुलाई को चोरी का एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया गया कि दिन दहाड़े उसके घर से नकदी, लैपटॉप, जेवर आदि चोरी हुए हैं, जिनकी कीमत 2.5 से 3 लाख रुपये है। इस पर थाना प्रभारी डॉक्टर रवि सामरिया के नेतृत्व में स्पेशल टीम गठित की गई, जिसमें ASI कुंभाराम, कांस्टेबल रामप्रकाश और दुर्गेश को शामिल किया गया, जिन्होंने CCTV फुटेज खंगाल कर दो लोगों की पहचान कर उन्हें दस्तयाब किया और उनसे पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में कृष्णा पुत्र जबरचंद नाई सराबगी मोहल्ला जैन मंदिर मेड़ता सिटी नागौर और कुशाल पुत्र घीसूलाल नाई एलिफेंट गेट स्ट्रीट चेन्नई तमिलनाडु को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक लैपटॉप, दो विदेशी घड़ियां, एक हार और 6,720 रुपये, कुल 2.5 लाख रुपये का माल बरामद कर लिया गया है। आगे तफ्तीश जारी है। पिछले कुछ दिनों में विशेष रूप से लॉकडाउन समाप्त होने के बाद पूरे राजस्थान में या पूरे देश में प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, संपत्ति संबंधी अपराधों में कुछ बढ़ोतरी हुई है। उसी के परिणाम स्वरूप हमारे अजमेर शहर में भी चोरी नकबजनी की वारदातें हुई। उनमें कुछ वारदातें दिन में हुई है, जो पुलिस के लिए चुनौती थी। थाना स्तर पर विशेष टीमें गठित की गई, DST की टीम को सक्रिय किया गया और जो वारदातें दिन में हुई उनके लिए अलग से टीमें गठित करके उनका पर्दाफाश करने के लिए संबंधित SHO को निर्देशित किया, CO को निर्देशित किया। उसी कड़ी में थाना कृष्णगंज क्षेत्र में दिनांक 8 जुलाई 2021 को श्रीमती किरण सवालका ने एक मुकदमा दर्ज कराया कि दिन में उनके घर से नकदी, जेवर, लैपटॉप इत्यादि चोरी चला गया, जिसकी कीमत करीब 2.5-3 लाख रुपए है। दिन में चोरी होना चुनौतीपूर्ण कार्य था पुलिस के लिए। थाना स्तर पर स्पेशल टीम गठित की गई, थानाधिकारी कृष्णगंज रवि सामरिया के नेतृत्व में स्पेशल टीम गठित की गई, जिसमें कुंभाराम ASI, रामप्रकाश कांस्टेबल और दुर्गेश कांस्टेबल, इस टीम ने इस चोरी पर काम किया, सुराग रसी करी, CCTV फुटेज का विश्लेषण किया। उसके बाद दो व्यक्ति इस घटना में शामिल होने पाए गए, जिनको बुला के पूछताछ की गई तो उन्होंने अपराध कबूल किया और उनको इस अपराध में गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम है कृष्णा पुत्र जबरचंद जाति नाई, निवासी जैन मंदिर सरावगी मोहल्ला मेड़ता सिटी जिला नागौर। दूसरा कुशाल पुत्र घीसूलाल जाति नाई, निवासी एलिफेंट गेट स्ट्रीट साहूकार पेट पुलिस थाना चेन्नई तमिलनाडु। ये दोनों व्यक्तियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। उनको गिरफ्तार करके और इस वारदात में चोरी गया सामान, जिसमें एक लैपटॉप, दो डिजिटल घड़ियां, एक पीली धातु का हार संभवतः सोने का तथा 6,720 रुपये नकद उससे बरामद किए गए हैं। इस प्रकार इन दोनों से करीब 2.5 लाख रुपये का चोरी गया माल बरामद किया गया है और इनसे पूछताछ जारी है।